हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है आरजे गुरप्रीत प्रोग्राम सांझी गपशप में। क्या हाल चाल है आप सभी के? ठीक ठाक है ना? भाई रहने भी चाहिए। आप सोचते होंगे कि रोज ही मैं आपका हालचाल पूछती हूँ। भाई आपसे बातचीत करने से पहले हालचाल पूछना तो बनता ही है ना। जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उनका हालचाल ही तो पूछते हैं, या फिर मिलने से पहले सीधा यही कह देते हैं, ओ अच्छा सच, मैंने तुझे वहाँ देखा था। नहीं ना, ऐसा तो नहीं करते ना। तो इसीलिए भाई जब भी किसी से मिलते हैं तो हम हाय हेलो तो करते ही हैं। तो मेरी आपसे मुलाकात हो रही है तो फिर मैं भी हाय हेलो तो करूंगी ना, आपका हालचाल तो पूछूंगी। चलिए इन बातों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, आज के सवाल पर आते हैं, यानी कि आज के टॉपिक पर, आज की बातचीत पर आते हैं कि सांझी गपशप में आज किस बारे में गपशप होने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि आजकल हम क्या करते हैं कि अपने से ज्यादा प्रायोरिटी ना हम दूसरों को देते हैं, दूसरों के जो रिलेशनशिप है उसको प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई इंसान है तो वो अपने से ज्यादा दूसरे बंदे को प्रायोरिटी देता है, जिसे वो चाहता है, तो इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे देता है कई बार वो बंदा कि वो सामने वाला उसकी इज्जत करना ही भूल जाता है। उस चक्कर में हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना गिरा देते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हम थे क्या। एक बार को हम सोचते हैं, हम कहते भी हैं कि हम पहले कितना खुश रहते थे, हम अपने आप में जीते थे, हमें अपने के लिए तमन्नाएं होती थी, इच्छाएं होती थी, लेकिन अब जब से हम किसी के साथ रहने लगे हैं तब से तो हमारी इच्छाएं ही मर गई हैं। यानी कि टोटली बात जो अब तक मैंने आपसे की है, आज बात होने वाली है सेल्फ लव के बारे में। बहुत कम लोग हैं जो खुद से प्यार करते हैं। कई बार तो हम ये भी बोल देते हैं, यार क्या हम खुद से प्यार करें, मेरा तो यहाँ पर, मेरी तो शक्ल ही नहीं अच्छी है, मेरे तो आंख कहाँ जा रही है, मेरे तो लिप्स कहाँ जा रहे हैं। मतलब छोटी छोटी बातें जो है हम लेकर बैठ जाते हैं, हमारे चेहरे से नहीं पता लगता कि हम खुद से प्यार करें या ना करें। हमारी अंतरात्मा भी तो खुश होनी चाहिए, अंतरात्मा भी तो खुद से प्यार करना उसको होना चाहिए ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी को प्यार करने से पहले हमें खुद को प्यार करना आना चाहिए कि हम खुद के लिए कितना जीते हैं, खुद को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही ये कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देनी चाहिए। कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि हम अपने आप को भुला ही देते हैं कि हमारी भी एक लाइफ है, दूसरों के साथ जीते जीते, दूसरों की जिंदगी के लिए जीते जीते, दूसरों को खुश करने के लिए जीते जीते अपने आप को जीना तो भूल ही जाते हैं ना, अपने आप के लिए जीना भूल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से यही आपसे कहना चाहती हूँ कि खुद से प्यार करो। जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक किसी के लिए भी प्यार हमारे दिल में आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद से प्यार करना ही हमें जिंदगी जीना सिखाता है। खुद से प्यार करेंगे तो हमारी आस भी बढ़ेगी, हमारी इच्छाएं भी बढ़ेंगी, जिसके लिए हम जिएंगे। लेकिन जब खुद के लिए कुछ रहेगा नहीं तो दूसरों के लिए भी करने का फिर क्या फायदा? जब तक आप खुद के लिए प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरों के लिए करने का भी क्या फायदा होगा? इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों आप क्या कहते हो, और आप खुद से प्यार करते हो या फिर नहीं करते, इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और 9095908908 पर कॉल या फिर मैसेज करके, ताकि भाई कमेंट सेक्शन से कमेंट्स लेकर आपके आपके विचार सब तक पहुंचाए जाएं। तो इसीलिए अपने रिवर्ट जो है इस बारे में जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और नई ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यस टीवी और सुनते रहिए सांझा रेडियो। बाय बाय।